Hello everyone, welcome to Software Engineering Lectures by Easy Engineering Classes. Today we'll start with another software lifecycle model, which are evolutionary models. In evolutionary models, we'll study the prototyping model today. तो आज के लेक्चर में एवोल्यूशनरी मॉडल्स हम स्टार्ट करेंगे और उसका पहला काइंड देखेंगे, विच इज प्रोटोटाइपिंग मॉडल. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस. एवोल्यूशनरी मॉडल बेसिकली कुछ कुछ आइट्रेटिव मॉडल्स जैसे ही होते हैं. एवोल्यूशनरी मॉडल में हम हर एक रिक्वायरमेंट को एक पर्टिकुलर साइकिल में इम्प्लीमेंट करते हैं, लेकिन ये आइट्रेटिव मॉडल से एक बेसिक डिफरेंस होल्ड करते हैं. यानी जैसे कि हम अभी डिफरेंस पढ़ेंगे एवोल्यूशनरी और आइट्रेटिव मॉडल में, तो आपको समझ आएगा कि आइट्रेटिव मॉडल हर साइकिल या हर आइट्रेशन के एंड में एक यूजेबल प्रोडक्ट डिलीवर करता है. यानी अगर पहली साइकिल या पहला आइट्रेशन कंप्लीट हुआ है आइट्रेटिव मॉडल में, तो जो उसका एंड प्रोडक्ट होगा, वर्क प्रोडक्ट होगा, वो एक यूजेबल सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट होगा जिसमें अ पार्ट ऑफ फंक्शनैलिटी होगी. लेकिन एवोल्यूशनरी मॉडल हर एक साइकिल में कोई यूजेबल प्रोडक्ट नहीं डेवलप करता. एक पर्टिकुलर आइट्रेशन में या एक पर्टिकुलर साइकिल में वो सिर्फ एक तरह की रिक्वायरमेंट को इम्प्लीमेंट करेगा और सेकेंड साइकिल में वो दूसरी तरह की रिक्वायरमेंट को इम्प्लीमेंट करेगा. तो क्योंकि हमें पता है कि सॉफ्टवेयर मल्टीपल रिक्वायरमेंट्स को गैदर करके बनते हैं, और अगर एक सॉफ्टवेयर को 10 रिक्वायरमेंट्स चाहिए, तो ये पॉसिबल है कि पहली रिलीज में हम सबसेट ऑफ ऑल द 10 रिक्वायरमेंट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन एक ऐसा प्रोडक्ट जिसमें सिर्फ एक रिक्वायरमेंट इम्प्लीमेंटेड हो, वो कहीं भी रिजेंबल नहीं करेगा हमारे फाइनल प्रोडक्ट से. सो बेसिकली आइट्रेटिव और एवोल्यूशनरी मॉडल का यही बेसिक डिफरेंस है कि एवोल्यूशनरी मॉडल हर साइकिल के एंड में कभी भी यूजेबल प्रोडक्ट नहीं डेवलप करते. वो एक सिंगल फंक्शनैलिटी इम्प्लीमेंट करते हैं, एंड the way in which the functionality is implemented is it is done category wise. जैसे अगर मैं example दूं, तो suppose हम आपके पास एक database application का software है जिसमें आपको read करना है database से, update करना है database से, और आपको authorization provide करनी है. तो evolutionary model क्या करेगा कि first cycle में सिर्फ रीडिंग और एक्सेसिंग द डेटाबेस की फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करेगा, सेकेंड साइकिल में सिर्फ अपडेशन की फंक्शनैलिटी ऐड करेगा पुरानी वाली रीडिंग वाली फंक्शनैलिटी पे, और फाइनल आइट्रेशन में ऑथराइजेशन या ऑथेंटिकेशन की फंक्शनैलिटी ऐड करके जब ये पूरा प्रोडक्ट बन जाएगा, तब वो कस्टमर को डिलीवर करेगा. लेकिन आइट्रेटिव मॉडल अगर हम यूज करते इसकी जगह, तो वो क्या करता, पहली ही साइकिल में वो तीनों फंक्शनैलिटीज को इम्प्लीमेंट करता, लेकिन एक सबसेट की तरह इम्प्लीमेंट करता. यानी जो एक कोर फंक्शनैलिटी है रीडिंग की, वो प्रोवाइड कर देता, थोड़ी सी फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता अपडेटिंग की, और अगर ऑथेंटिकेशन फर्स्ट कोर प्रोडक्ट में इतनी रिक्वायर्ड नहीं है, तो वो उसे या तो बहुत मिनिमल तरीके से इम्प्लीमेंट करता, या फिर बिना करे ही फर्स्ट रिलीज को आगे कस्टमर को दे देता, ताकि कस्टमर ये चेक कर सके कि एटलीस्ट जितनी फंक्शनैलिटी अभी तक उसे डिलीवर हुई है वो ठीक है या नहीं, आगे वाली साइकिल्स में प्रायोरिटी वाइज और फंक्शनैलिटी डिलीवर हो जाएगी. तो इसके डिफरेंसेस हम अभी लिखेंगे. सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि एवोल्यूशनरी मॉडल के फेजेस क्या होते हैं. एवोल्यूशनरी मॉडल के फेजेस सेम होते हैं वॉटरफॉल मॉडल जैसे. फेजेस आर सेम एज वॉटरफॉल मॉडल, बट दे आर अप्लाइड इन साइक्लिकल फैशन. इन साइक्लिकल मैनर या साइक्लिकल फैशन. ऑलराइट, अब आते हैं, मतलब जो वॉटरफॉल मॉडल के डिफरेंट फेजेस थे, रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग, रिक्वायरमेंट्स एनालिसिस, फिर डिजाइन, कोडिंग, देन टेस्टिंग एंड देन मेंटेनेंस, वो सारे फेजेस एवोल्यूशनरी मॉडल में भी होते हैं, लेकिन वो साइक्लिकली अप्लाई होते हैं. यानी वो रिपीट हो सकते हैं, और हर बार कैटेगरी वाइज
रिक्वायरमेंट्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए एवोल्यूशनरी मॉडल की साइकिल्स रिपीट होंगी. नाउ लेट्स कम टू द डिफरेंसेस बिटवीन आइट्रेटिव एंड एवोल्यूशनरी. जैसे मैंने पहले भी बोला, आइट्रेटिव में यूजेबल प्रोडक्ट is delivered at the end of each cycle और यहां पे no usable product at the end of each cycle. ठीक है, अब एक और चीज जो ध्यान में रखनी है, यहां पे रिक्वायरमेंट्स आर इम्प्लीमेंटेड प्रायोरिटी वाइज, यानी फर्स्ट साइकिल में सबसे इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट्स इम्प्लीमेंट होंगी, लेकिन यहाँ पे एवोल्यूशनरी मॉडल में कैटेगरी वाइज. क्योंकि रिक्वायरमेंट कैटेगरी वाइज इम्प्लीमेंट होती है, इसलिए आप समझ गए होंगे कि सिर्फ एक तरह की रिक्वायरमेंट अगर एक साइकिल के एंड पे हमें मिल रही है तो वो यूजेबल प्रोडक्ट नहीं देती हमें, इसलिए हम उसे एक यूजेबल प्रोडक्ट नहीं कह सकते, क्योंकि एक सॉफ्टवेयर डिफरेंट तरह की रिक्वायरमेंट से मिलके बनता है और ऐसा एवोल्यूशनरी मॉडल सपोर्ट नहीं करता. ऑलराइट, अब हम आते हैं कि क्या यूजेस हैं एवोल्यूशनरी मॉडल के, या कब ये यूजफुल होता है एवोल्यूशनरी मॉडल. एवोल्यूशनरी मॉडल जनरली तब यूजफुल होता है जब हमें जो सॉफ्टवेयर डिलीवर करना है उसकी एक क्विक मिनिमल आउटपुट रिक्वायर्ड नहीं है, यानी एक मिनिमल वर्जन सिस्टम का रिक्वायर्ड नहीं है. ठीक है, व्हेन मिनिमल वर्जन ऑफ द सिस्टम इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी डिलीवर्ड टू द कस्टमर. ठीक है, अगर मिनिमल वर्जन रिक्वायर्ड है, यानी हर साइकिल के एंड पे हमें कुछ ना कुछ वर्किंग प्रोडक्ट कस्टमर को देना है, तो हम एवोल्यूशनरी मॉडल नहीं यूज कर सकते. उसके बाद इट इज ऑल्सो यूज व्हेन वी हैव कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स विद अनस्टेबल रिक्वायरमेंट्स, जिनकी रिक्वायरमेंट स्टेबल नहीं होती. ठीक है, तो फर्स्ट साइकिल में जो स्टेबल रिक्वायरमेंट्स है वो हमने इम्प्लीमेंट कर दी, सेकेंड साइकिल में जैसे जैसे रिक्वायरमेंट स्टेबलाइज हुई हम नेक्स्ट साइकिल में इम्प्लीमेंट करते गए. कोई भी रिक्वायरमेंट की इम्प्लीमेंटेशन पिछली कैटेगरी से डिपेंडेंट नहीं है. ठीक है, इसलिए हम डिफरेंट साइकिल में डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. थर्ड यूज इज व्हेन न्यू टेक्नोलॉजी इज बीइंग यूज्ड, सेम एज कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स विद अनस्टेबल रिक्वायरमेंट्स. अगर नई टेक्नोलॉजी है तो हमें टाइम लगता है एक्वेंटेड होने में कि क्या क्या चीज़ें हमें इम्प्लीमेंट करनी है डिफरेंट साइकिल में. तो ये मेजर केसेस हैं जब हमें एवोल्यूशनरी मॉडल यूज करना है. इसके अलावा अगर कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट नहीं है या फिर नई टेक्नोलॉजी नहीं यूज हो रही बट फिर भी हमें रिक्वायरमेंट्स क्लियर नहीं है, तब भी हमें एवोल्यूशनरी मॉडल यूज करने की जरूरत पड़ती है. रिक्वायरमेंट्स आर नॉट क्लियर. तो किसी भी केस में जब आप चाहते हो कि एटलीस्ट जितनी रिक्वायरमेंट हमें अभी मिली है हम उसकी एक साइकिल को स्टार्ट करके उस रिक्वायरमेंट को इम्प्लीमेंट करें, एंड जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आगे की साइकिल में जो जो रिक्वायरमेंट हमारी क्लियर होती जाएंगी हम उसे डेवलप करेंगे, तो इस केस में एवोल्यूशनरी मॉडल बहुत हेल्पफुल होते हैं. नाउ लेट्स कम टू द फर्स्ट कैटेगरी ऑफ एवोल्यूशनरी मॉडल विच इज प्रोटोटाइपिंग मॉडल. प्रोटोटाइपिंग मॉडल का ये मैंने आपको एग्जाम्पल और ये मैंने आपको लाइफ साइकिल दिखा रखी है. प्रोटोटाइपिंग मॉडल जैसे कि हमने रैड मॉडल में भी डिस्कस करा था, हम रिक्वायरमेंट्स को
क्लियरली अंडरस्टैंड करने के लिए एक प्रोटोटाइप बनाते हैं सिस्टम का, उसे यूजर से इवैल्यूएट करवाते हैं, यूजर का फीडबैक लेते हैं और उसे रिफाइन कराते हैं, ठीक है। और ये साइकिल कब तक कंटिन्यू होती है? जब तक रिक्वायरमेंट्स क्लियर नहीं हो जाती। ऑलराइट, तो प्रोटोटाइपिंग मॉडल में भी बाकी के फेजेस वाटरफॉल साइकिल, वाटरफॉल का सिक्वेंशियल नेचर ही फॉलो करते हैं, लेकिन रिक्वायरमेंट्स वाले फेज में, क्योंकि हमने एवोल्यूशनरी मॉडल में देखा कि ऐसे केसेस में वो यूज होता है जहाँ रिक्वायरमेंट्स क्लियर नहीं है, तो हमें डेफिनेटली कॉन्टिन्यूस कस्टमर सपोर्ट चाहिए रिक्वायरमेंट्स को फाइनलाइज करने में। कॉन्टिन्यूस कस्टमर सपोर्ट इन फाइनलाइजिंग द रिक्वायरमेंट्स एटलीस्ट, ठीक है। रैड मॉडल में हमने देखा था कि कॉन्टिन्यूसली हमें हर फेज के टाइम पे कस्टमर का सपोर्ट चाहिए, लेकिन प्रोटोटाइपिंग मॉडल इतना रिस्ट्रिक्टिव नहीं है। वो सिर्फ जब हम रिक्वायरमेंट्स को फाइनलाइज कर रहे हैं यूजिंग प्रोटोटाइपिंग, तब हमें कस्टमर का कॉन्टिन्यूस सपोर्ट चाहिए होता है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है, हमने रिक्वायरमेंट, जितने भी हमारे पास रिक्वायरमेंट्स हैं, उससे हम एक क्विक डिज़ाइन बनाते हैं, यानी एक सिस्टम या एक मिनिमल सिस्टम या एक सिस्टम का डमी बनाते हैं, जिससे कि कस्टमर को एक आइडिया हो जाए कि करंट रिक्वायरमेंट्स के साथ सिस्टम कैसा डेवलप होगा। अगर वो सिस्टम कस्टमर को एक्सेप्टेबल है तो वो उस पर अपना फीडबैक देता है, और अगर रिफाइनमेंट की ज़रूरत है, यानी कुछ चीज़ें एक्सेप्टेबल नहीं है, कुछ मिसिंग है या कुछ गलत है, तो उस फीडबैक के थ्रू रिफाइन किया जाता है प्रोटोटाइप को, फिर से डिज़ाइन किया जाता है या डिज़ाइन प्रोटोटाइप में चेंजेस किए जाते हैं और फिर से इम्प्लीमेंट करके कस्टमर से इवैल्यूएट किया जाता है। अगर कस्टमर ने इसे एक्सेप्ट नहीं किया तो ये साइकिल चलती जाएगी, अगर एक्सेप्ट हो गया तो हम नेक्स्ट फेज पे आ जाएंगे, विच इज़ द एक्चुअल डेवलपमेंट ऑफ द SRS, which is the actual development of the software. तो सबसे पहले feedback and refinement हमें क्यों चाहिए, ताकि हम finalize कर सके requirements, to finalize requirements using customer support. Now let's come to the fact कि अगर एक बार हमने एक working prototype develop कर ली software की, तो क्या उस वर्किंग प्रोटोटाइप में सारे फीचर्स होते हैं, या फिर उस वर्किंग प्रोटोटाइप की क्या क्या फीचर्स होते हैं एज कम्पेयर्ड टू अ सॉफ्टवेयर। हमें ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि जो भी वर्किंग प्रोटोटाइप हम बनाते हैं, इट हैज़ वेरी लिमिटेड फंक्शनैलिटीज़, इट इज़ नॉट ऑफ गुड क्वालिटी, limited functionality, not very good quality, low performance and low reliability and so on. So ये बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए समझना कि ऐसा क्यों होता है कि अगर प्रोटोटाइप की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, फिर भी हम उसे यूज़ कर रहे हैं अपने सिस्टम डेवलपमेंट में। हमें प्रोटोटाइप से बस इतना सपोर्ट चाहिए होता है कि प्रोटोटाइप का एक आउटपुट या एक आउटर स्ट्रक्चर अगर कस्टमर को हम दिखा पा रहे हैं और उसके बेसिस पे कस्टमर बता पा रहा है क्या चाहिए क्या नहीं, तो उतना हमारे लिए सफिशिएंट है। बेसिकली ये एक डमी अप्रोच है जिसमें हम इनर स्ट्रक्चर के बारे में कभी भी वरी नहीं करते कि वो कितनी अच्छी क्वालिटी का है, क्योंकि जब भी प्रोटोटाइपिंग यूज होती है रिक्वायरमेंट्स को डेवलप या फाइनलाइज करने में, इट इज ओनली यूज्ड इन द रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग और फाइनलाइजेशन फेज, इट इज नेवर डिलीवर्ड एज अ फाइनल प्रोडक्ट। फाइनल प्रोडक्ट कभी भी नहीं बनना चाहिए, और गुड इंडस्ट्रीज या गुड कंपनीज में फाइनल प्रोडक्ट बनता भी नहीं है जो कि इनिशियल प्रोटोटाइप था। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि टाइम क्रंच की वजह से प्रोटोटाइप को ही मॉडिफाई करके फाइनल प्रोडक्ट की तरह डिलीवर कर दिया जाता है, विच इज़ वेरी रॉन्ग। तो अगर देखा जाए तो वर्किंग प्रोटोटाइप
जो हमारा होता है उसमें लिमिटेड फंक्शनैलिटी होती है, परफॉर्मेंस बिल्कुल अच्छी नहीं होती, या फिर परफॉर्मेंस बस उतनी ही होती है जितनी कस्टमर की वैल्यूएशन के लिए ज़रूरी है या कस्टमर को एक आइडिया देने के लिए ज़रूरी है, क्वालिटी अच्छी नहीं होती। तो इसके यूजेस क्या हैं? अगर प्रोटोटाइप की एडवांटेजेस नहीं है कुछ, मतलब इतने सारे ड्रॉबैक्स हैं या फिर शॉर्टकमिंग्स हैं, तो प्रोटोटाइप यूज़ किस लिए होती है? बेसिकली इट इज़ यूज टू रिफाइन रिक्वायरमेंट्स, जैसे कि मैंने ऊपर भी मेंशन किया, एंड इट इज़ यूज टू प्रिपेयर द फाइनल SRS। ठीक है, उसके बाद एक बार कस्टमर ने प्रोटोटाइप फाइनल कर दिया, एक्सेप्ट हो गया प्रोटोटाइप का, मतलब रिक्वायरमेंट्स फाइनल हो गई, फिर हम नॉर्मली वाटरफॉल मॉडल यूज करते हुए फाइनल सिस्टम को डेवलप करते हैं। ठीक है, फाइनल सिस्टम इज डेवलप्ड इन सीक्वेंशियल ऑर्डर यूजिंग वाटरफॉल मॉडल। इसके अलावा हम आगे पढ़ेंगे कि क्या प्रोटोटाइप को डेवलप करने में जो एक्स्ट्रा कॉस्ट इंकर होती है वो वैलिड है, यानी क्या वो इतनी यूजफुल है, या फिर हमें प्रोटोटाइप को नहीं डेवलप करना चाहिए, हमें डायरेक्टली रिक्वायरमेंट्स को गैदर करना चाहिए फ्रॉम कस्टमर और सीधा काम शुरू कर देना चाहिए। तो लेट्स गेट स्टार्टेड बाय आंसरिंग दीज क्वेश्चंस। सो जैसे मैंने पहले बताया, इज प्रोटोटाइप आर फाइनल प्रोडक्ट? नो, इट इज नॉट, आर फाइनल प्रोडक्ट। इनफैक्ट द कोड, प्रोटोटाइप कोड इज जस्ट थ्रोन अवे आफ्टर द रिक्वायरमेंट्स हैव बीन फाइनलाइज्ड, इज डिस्कार्डेड आफ्टर द रिक्वायरमेंट्स आर फाइनलाइज्ड। ठीक है, सो प्रोटोटाइप इज नेवर द फाइनल प्रोडक्ट, क्योंकि उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। जो उसका पर्पस था रिक्वायरमेंट्स को गैदर और फाइनलाइज कराने में, उसने वो सर्व कर लिया है, नाउ वी कैन डिस्कार्ड द प्रोटोटाइप। उसके बाद आता है बेनिफिट्स ऑफ डेवलपिंग अ प्रोटोटाइप। बेनिफिट्स ऑफ डेवलपिंग अ प्रोटोटाइप क्या है कि सबसे पहले जो हमने डेवलपमेंट ऑलराइट, सो जैसे कि हम देख रहे थे कि बेनिफिट्स ऑफ डेवलपिंग अ प्रोटोटाइप क्या होते हैं, कि प्रोटोटाइप ना सिर्फ हमें कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स को अनरैवल करने में हेल्प करता है, बल्कि इट ऑल्सो हेल्प्स अस टू गैदर एक्सपीरियंस वाइल डेवलपिंग द फाइनल सिस्टम। यानी एक बार हमने प्रोटोटाइप को डेवलप कर लिया तो हमें डेवलपमेंट का एक एक्सपीरियंस मिल जाता है कि फाइनल सॉफ्टवेयर को भी हमें इसी तरह से डेवलप करना है। तो दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ डेवलपिंग अ प्रोटोटाइप। इसके अलावा एक फाइनल क्वेश्चन जो हमारे माइंड में आता है वो है कि क्या प्रोटोटाइप की डेवलपमेंट से हमें एक्स्ट्रा कॉस्ट महंगी पड़ती है, या फिर एक्स्ट्रा कॉस्ट हमें जो देनी पड़ती है वो क्या हमारे लिए बेनिफिशियल है या हमें लॉस होता है उससे? एक्चुअली देखा जाए तो प्रोटोटाइप डेवलप करने की कॉस्ट डेफिनेटली एक सिग्निफिकेंट अमाउंट होता है, और अगर हम प्रोटोटाइपिंग मॉडल से रिक्वायरमेंट्स ना गैदर करें तो वो कॉस्ट नहीं इनकर होगी। लेकिन प्रोटोटाइप हमें इंश्योर कराता है कि, क्योंकि कॉन्टिन्यूस कस्टमर फीडबैक और इवेल्यूएशन से हमने रिक्वायरमेंट्स गैदर करी हैं, इसलिए द रिक्वायरमेंट्स आर स्टेबल, दे वुड बी एक्सेप्टेड बाय द कस्टमर व्हेन वी डिलीवर द फंक्शनैलिटी टू द यूजर एट द कंप्लीशन ऑफ द SDLC लाइफ साइकिल। एंड दैट इज व्हाई वी आर नॉट अफ्रेड दैट आर सॉफ्टवेयर माइट गेट कम्प्लीटली रिजेक्टेड। सो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि प्रोटोटाइप को डेवलप करने की कॉस्ट होती है, बट ओवरऑल कॉस्ट कम्स डाउन बिकॉज अगर हमें मेंटेनेंस कह सकते हैं, या अगर सॉफ्टवेयर में कोई ऐसे बग्स आ गए या फिर ऐसे डिफेक्ट्स आ गए, या फंक्शनैलिटी हमने ऐसी मिस कर दी जो कि कस्टमर को चाहिए थी, या फिर गलत तरीके से इम्प्लीमेंट कर दी, तो उसकी कॉस्ट ज़्यादा हो सकती है एज कम्पेयर्ड टू द फैक्ट जो कि तब होगा जब हमने प्रोटोटाइप डेवलप करी है। प्रोटोटाइप अगर हमने कस्टमर की हेल्प से डेवलप करी है तो बहुत ही कम चांसेस है कि हम जो
रिक्वायरमेंट्स हमने गैदर करी हैं वो गलत हो या फिर उसमें कोई एरर्स हो. ऑल राइट, नाउ लेट्स कम टू द सेकेंड मॉडल ऑफ एवोल्यूशनरी टाइप मॉडल्स विच इज द स्पाइरल मॉडल. स्पाइरल मॉडल बैरी बोहम ने इम्प्लीमेंट करा था या फिर इन्वेंट किया था, और जैसे कि आप देख सकते हैं इट फॉलोज अ स्पाइरल नेचर. दैट मीन्स रिस्क एनालिसिस हर स्पाइरल में किया जाता है, और रिस्क एनालिसिस सबसे मेन फीचर है इस मॉडल का. और हर फेज में, मतलब व्हेन आई से फेज, फेज मीन्स वन सर्कल अराउंड दिस एक्सिस. सो स्टार्टिंग फ्रॉम दिस 360 डिग्रीज अराउंड दिस एक्सिस इज वन फेज, देन द सेकेंड फेज, एंड देन दिस थर्ड फेज, एंड सो ऑन. हर फेज में चार डिफरेंट तरह की एक्टिविटीज होती हैं जो कि हम आगे पढ़ेंगे, और हर फेज में रिस्क एनालिसिस होता है, रिव्यू होता है, ताकि हम ये इंश्योर कर सकें कि जो भी रिस्क हमारे सॉफ्टवेयर को अफेक्ट कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट को अफेक्ट कर सकते हैं, वो पहले ही हम उन्हें हटा दें. ठीक है, तो हर फेज में जो चार एक्टिविटीज होती हैं वो होती है प्लानिंग. हम मतलब प्लान करते हैं कि इस फेज के हमारे क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, डेवलप करते हैं, रिस्क को एनालाइज करते हैं, और उसके बाद हम कस्टमर से इवेल्युएट कराते हैं. ठीक है, तो आइए अब स्पाइरल मॉडल के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं. जैसे कि मैंने पहले बताया कि इट वॉज डेवलप्ड बाय बैरी बोहम. बैरी बोहम ने ये डेवलप किया था मॉडल, और उन्होंने ये बहुत ही मेजरली कंसिडर किया था कि रिस्क को सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में इनकॉर्पोरेट करना बहुत ज़रूरी है. दैट इज़ वाई द मेन फीचर इज हैंडलिंग अनसर्टेनिटी या रिस्क. अनसर्टेनिटी, किसी भी तरह की अनसर्टेनिटी या रिस्क हो सकता है. अनसर्टेनिटी और रिस्क, ठीक है. इसके बाद कितने फेजेस होते हैं? देर आर मल्टीपल फेजेस. जैसे हर स्पाइरल एक फेज है. जितने भी स्पाइरल होंगे उतनी कॉस्ट बढ़ेगी डेफिनेटली. हर एक स्पाइरल को इम्प्लीमेंट करने की एक डिफरेंट कॉस्ट है, और मल्टीपल फेजेस हैविंग फोर एक्टिविटीज. और वो एक्टिविटीज क्या है? वो एक्टिविटी है प्लानिंग, रिस्क एनालिसिस. हर फेज में ये चार एक्टिविटी किसी ना किसी तरह इम्प्लीमेंट होंगी. देन है डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग, और फिर है असेसमेंट. बेसिकली प्लानिंग एक्टिविटी का क्या पर्पस होता है? प्लानिंग में हम बेसिकली अपना ऑब्जेक्टिव हाईलाइट करते हैं, और हम ये चेक करते हैं कि इस फेज में हमारे पे कौन से कॉन्स्ट्रेंट्स इम्पोज हैं, और क्या क्या ऑल्टरनेटिव्स हो सकते हैं अगर रिस्क हमें अफेक्ट करेंगे. सो वी डिटरमाइन ऑब्जेक्टिव्स एंड ऑल्टरनेटिव्स टू हैंडल रिस्क. ठीक है, हर एक चीज में यहाँ पे रिस्क को हैंडल करने के लिए कुछ ना कुछ तरीका होगा. प्लस द कंस्ट्रेंट्स जो हमारे ऊपर इम्पोज है डेवलपमेंट टाइम पे, तो इन सब को ध्यान में रखते हुए हम प्लान करते हैं कि इस फेज में हम क्या क्या इंश्योर करेंगे या क्या क्या एक्टिविटीज कैरी आउट करेंगे. रिस्क एनालिसिस, हम रिस्क को आइडेंटिफाई रिस्क, क्लासिफाई देम इनटू डिफरेंट लेवल्स. और नेक्स्ट फेज के लिए भी हम प्लानिंग करते हैं कई बार रिस्क एनालिसिस में, क्योंकि ऑल्टरनेटिव्स या फिर नेक्स्ट फेज में प्लान करना पहले से ही, मतलब नेक्स्ट फेज के लिए पहले से ही प्लान करना एक बेटर तरीका होता है. इट इज बेटर अप्रोच देन यू नो डीलिंग विद द एरर व्हेन और डीलिंग विद द रिस्क व्हेन इट हैज ऑलरेडी अकर्ड. सो वी नॉट ओनली आइडेंटिफाई एंड रिजॉल्व वेरियस रिस्क. ओके, आइडेंटिफाई एंड रिजॉल्व वेरियस रिस्क, बट वी हेयर ऑल्सो वी ट्राई टू फाइंड ऑल्टरनेटिव्स एंड प्लान अहेड. ठीक है,
इसके बाद आता है डेवलपमेंट और टेस्टिंग फेज। हम जो भी हमने प्लान करा है, इम्प्लीमेंट करना करने का डिसाइड करा है, उसे हम डेवलप करते हैं और उसकी टेस्टिंग करते हैं, और उसके बाद असेसमेंट करते हैं। असेसमेंट इज बेसिकली कस्टमर इवैल्यूएशन। ये चारों एक्टिविटी हर फेज में होती है, प्लीज ये ध्यान रखिएगा, ये चारों एक्टिविटी हर फेज में होती है। तो अगर हम पहले फेज की बात करें, तो पहले फेज में हम बेसिकली ये डिसाइड करते हैं कि क्या हमारा मेजर प्लान है। बेसिकली हम एक प्रोटोटाइप बनाते हैं जो कि हाईलाइट करेगा कि क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, रिस्क को एनालाइज करते हैं और कस्टमर से ये इवेल्युएट करवाते हैं। तो लेट्स राइट दिस डाउन। फेज वन में हम बेसिक प्लानिंग करते हैं अपनी। प्लानिंग तो होगी, विच इज द फर्स्ट एक्टिविटी, प्लानिंग। फिर रिस्क एनालाइज करते हैं, सेकेंड एक्टिविटी, एनालाइज द रिस्क। उसके बाद डेवलपमेंट में एक प्रोटोटाइप बनता है। यहाँ पे प्रोटोटाइप इज बिल्ट, बिल्ट, और असेसमेंट में कस्टमर फीडबैक हम गेन करते हैं यहाँ पे, या कस्टमर से इवैल्यूएट करवाते हैं, इवैल्यूएशन एंड फीडबैक। ऑलराइट, उसके बाद हमारा अगर सेकंड हमारा जब सेकंड फेज आता है, तो सेकंड फेज की मेजर एक्टिविटीज क्या होती है कि एक बार हमने एक प्रोटोटाइप बना ली, उसके बाद हम कस्टमर से एक जब फीडबैक लेने के बाद रिफाइंड प्रोटोटाइप डेवलप करते हैं, और उसके बाद रिफाइंड प्रोटोटाइप के बाद जब रिक्वायरमेंट्स फाइनल हो जाती हैं, ऑलमोस्ट उन फाइनल रिक्वायरमेंट्स को वैलिडेट करवाते हैं कस्टमर से, प्लस रिस्क को असेस करते हैं और आगे बढ़ते हैं अपने थर्ड फेज की तरफ। सो इसमें प्रोटोटाइप इज रिफाइंड, रिक्वायरमेंट्स को प्रॉपरली अब हम डॉक्यूमेंट करेंगे। डॉक्यूमेंटेशन इज ऑफ रिक्वायरमेंट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। रिक्वायरमेंट्स आर डॉक्यूमेंटेड, वैलिडेशन में काम आता है, मैंने पहले भी आपको बताया है। रिक्वायरमेंट्स आर डॉक्यूमेंटेड एंड वैलिडेटेड बाय द कस्टमर। और इसके बाद हम नए प्रोटोटाइप जो हमने डिफाइन करा है, जो हमने रिफाइन करने के बाद नया प्रोटोटाइप को इवैल्यूएट, सॉरी नए प्रोटोटाइप को डेवलप करा है रिफाइनमेंट के बाद, उसे दोबारा से वैलिडेट करवाते हैं, और फाइनली हम डेवलपमेंट फेज की तरफ बढ़ते हैं। इन एंड दैट हैपन्स इन द थर्ड फेज। यहाँ पे भी डेवलपमेंट हो सकती है, हम नए फीचर्स ऐड कर सकते हैं, लेकिन बेसिकली हमने जो प्रोटोटाइप रिफाइन करा है, उसके बाद हम एक ऐसे स्टेज पे पहुँच जाते हैं जहाँ पे हमारी रिक्वायरमेंट्स ऑलमोस्ट फाइनल हो जाती हैं, और कस्टमर से वैलिडेट करवाने के बाद एक फाइनल प्रोटोटाइप हम डेवलप कर देते हैं। ठीक है, थर्ड फेज में ऑलमोस्ट हमने दो फेजेस में रिस्क को एनालाइज करा, तो रिस्क बिकम फाइनल, रिस्क आर नाउ नोन। मतलब अब हमें ऑलमोस्ट पता है कि क्या क्या रिस्क अकर हो सकते हैं, तो इसके बाद रिस्क को एवर्ट करने के हम तरीके फाइंड आउट तो करते ही हैं, प्लस डेवलपमेंट में अ ट्रेडिशनल अप्रोच इज फॉलोड, यानी नॉर्मल ट्रेडिशनल वाटरफॉल अप्रोच फॉलो हम कर सकते हैं। वाटरफॉल अप्रोच मतलब स्टेप बाय स्टेप सारे फेजेस को फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि हमने अब तक सारे रिस्क हैंडल कर लिए। ट्रेडिशनल अप्रोच टू डेवलपमेंट, ठीक है। तो स्पाइरल मॉडल के बेसिक फोकस एरियाज क्या हो गए? बेसिक फोकस एरियाज डेफिनेटली रिस्क एनालिसिस हो गया हर पॉइंट पे, और कस्टमर इवैल्यूएशन हो गया या कस्टमर फीडबैक हो गया प्रोटोटाइप डिफाइन करके इनिशियल फेज में। सो सबसे पहले हम हर फेज में आइडेंटिफाई करते हैं प्रॉब्लम, क्लासिफाई करते हैं उन प्रॉब्लम्स को डिफरेंट रिस्क लेवल्स में, और एलिमिनेट करते हैं बिफोर दे बिकम अ रियलिटी। प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करा,
क्लासिफाई करा डिफरेंट लेवल्स में और एलिमिनेट करा. इसके अलावा एक मेजर एक्टिविटी जो होती है या फिर फोकस एरिया जो है स्पाइरल मॉडल का, वो ये है कि देर इज कॉन्टिन्यूस इवेल्युएशन एंड वैलिडेशन अकरिंग इन एवरी फेज बाय द कंसर्न पीपल. यानी अगर डिजाइनर है या प्रोग्रामर है, डिजाइन फेज चला, डिजाइन फेज खत्म हुआ, उसका जो भी वर्क प्रोडक्ट आया वो उसकी वैलिडेशन होगी, उसको रिव्यू किया जाएगा बाय द डिजाइनर्स. प्रोग्रामिंग अगर कुछ हुई तो प्रोग्रामर्स उसे रिव्यू करेंगे, ताकि जो उस टाइम तक जो भी वर्क प्रोडक्ट डेवलप हुए हैं उन्हें हम चेक कर सके कि कोई भी एरर ना नहीं है उसमें, कोई भी इनकंसिस्टेंसी नहीं है या फिर कोई भी ओमिशन फंक्शनैलिटी ओमिट नहीं हुई. ठीक है, तो इसके साथ साथ यहाँ पे हम देर इज कॉन्टिन्यूस वैलिडेशन और यू कैन से रिव्यू बाय द कंसर्न्ड पीपल which can be designers or developers to check the work product quality. और ताकि कोई भी अगर error हो तो वो अभी eliminate हो जाए. और ऐसे ही focus area, एक और focus area हम ये लिख सकते हैं कि हम प्लान करते रहते हैं आगे के लिए पहले से ही. सो देर इज प्री प्लानिंग दैट इज हैपनिंग दैट वुड बी अंडरटेकन इन द नेक्स्ट फेजेस. तो जैसे हम नॉर्मल लाइफ में भी देखते हैं कि प्रिकॉशन इज बेटर देन प्रिवेंशन. ऑलराइट, तो अगर हम पहले से ही प्लान करेंगे तो एक बेटर अप्रोच होती है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में रिस्क को हैंडल करने की. सो प्लान फॉर द नेक्स्ट साइकिल बिफोर beforehand. ठीक है, अब आते हैं हम मेजर एडवांटेजेस पे स्पाइरल मॉडल की. मेजर एडवांटेजेस हमारी यही है कि इट अकोमोडेट्स रिस्क एनालिसिस, कॉन्टिन्यूस इवेल्युएशन होती है और अदर व्हाट अदर एसडीएलसी मॉडल के गुड फीचर्स को भी ये अकोमोडेट कर सकता है. और सॉफ्टवेयर क्वालिटी तो मेंटेन रहती ही है, जैसे कि मैंने बताया मेंटेन ड्यूरिंग डेवलपमेंट by continuous risk analysis and review that are conducted, जैसे कि मैंने ऊपर बताया, conducted by the concerned people. प्रोग्रामर हो गए, डेवलपर हो गए, वो कॉन्टिन्यूसली इवेल्युएट करते रहते हैं कि क्या चीज़ें सही डेवलप हो रही हैं या नहीं. अगर कोई भी स्पाइरल के फेज में कोई एरर या बग आता है और ऐसा हम डिसाइड करते हैं या फिर हम कंक्लूड करते हैं कि ये स्पाइरल फेल हो गया या फिर ये वाला फेज स्पाइरल का सही तरीके से नहीं इम्प्लीमेंट हुआ, ये फेल हो गया, तो हम पूरी स्पाइरल साइकिल को ही एंड कर देते हैं और फिर से स्टार्ट करते हैं. इसके अलावा एक डिसएडवांटेज जो स्पाइरल मॉडल का है, इट रिक्वायर्स एक्सपर्टीज इन रिस्क हैंडलिंग. Expertise required in risk handling. Risk handling plus carrying out the spiral model. Carrying out the spiral मॉडल. स्पाइरल मॉडल एक बहुत इजी मॉडल नहीं है. कई बार हमने ये देखा है कि स्पाइरल मॉडल बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है जैसे कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं. इसलिए स्पाइरल मॉडल की वो अंडरटेक करना अपने आप में बड़ी बात है. दैट इज व्हाई डिसएडवांटेज इज अ लॉट ऑफ एक्सपर्टीज इज रिक्वायर्ड इन इम्प्लीमेंटिंग द स्पाइरल मॉडल एंड हैंडलिंग द रिस्क. सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर. इन टुडेज लेक्चर वी स्टडीड वॉट is a spiral model. It is the second kind of evolutionary model that we studied today. I hope you understood the basic
पार्ट्स ऑफ द स्पाइरल मॉडल. अगर आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट्स में नीचे मेंशन कर सकते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. स्टे ट्यून्ड टू इजी इंजीनियरिंग क्लासेस फॉर मोर लेक्चर्स ऑन कंप्यूटर साइंस रिलेटेड सब्जेक्ट्स. थैंक यू.